दोस्तों ये है एक स्क्रू ड्राइवर और एक स्क्रू ड्राइवर को ऑटोमेट कैसे करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। बड़ा ही सिंपल काम है दोस्तों, आपको सिंपली एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर खरीदना पड़ेगा और इसका काम खत्म। तो गाइस ये है ब्लैक एंड डेकर कंपनी का इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर और आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट बताने वाला हूँ। ये मैंने दोस्तों जनवरी में परचेस किया था और करीब 8 महीनों से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो सोचा मैं इसका रिव्यू बना देता हूँ और इस रिव्यू में मैं दोस्तों आपको सब बताऊंगा। फिर प्राइस की बात मैं अभी कर देता हूँ। मैंने इसे 711 रुपीज में परचेस किया था, यानी 711 रुपए में। अभी अमेजोन पर दोस्तों इसका प्राइस 101 रुपए से बढ़ गया है, यानी 812 रुपए हो गया है। 150 रुपया देगा। इसकी परचेस लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ब्लैक एंड डेकर कंपनी तो आप जानते ही हो। सो गाइस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये आपका टाइम सेव करता है और ये आपकी मेहनत भी सेव करता है। अभी आपको हाथ घुमाकर स्क्रू या अनस्क्रू करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से आधे टाइम में दोस्तों आपका काम हो जाएगा। जिस स्क्रू को टाइट करने में या फिट करने में आपको 10 मिनट लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो काम आपका 5 मिनट में हो जाएगा। और इसका ही डेमो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। छोटा सा स्क्रू है, उसको टाइट करके मैन्युअली और इलेक्ट्रिकली। मैनुअल की बात चलती है तो इसमें मैनुअल मोड भी आता है। चलो अभी ये सब बातें हम करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हो ऑटोमेशन विद आशीष। तो दोस्तों ऐसा आपको पैकेट मिलता है, पहले से मैंने खोल के रखा है, ऑब्वियसली जनवरी में खरीदा था, अभी तक पैक थोड़ी रहेगा। तो इसमें आपको ये है मेन स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर 14 पीसेस एसेसरीज है इसकी, जिसमें आपको प्लस माइनस स्क्वायर ये सब मिल जाएगा। और यहाँ पर है 4 अल्कलाइन बैटरीज। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है वो अल्कलाइन बैटरीज पर चलता है, नॉर्मल बैटरीज इसमें मत डालना। तो डालना है तो अल्कलाइन ड्यूरासेल बैटरीज डालो। ये जो बैटरीज है ये इस पैकेट के साथ आई है और ये अभी तक चल रही है दोस्तों। थोड़ी सी डाउन हो गई है लेकिन अभी तक चल रही है। और इसमें आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल। वेल, यूजर मैनुअल की जरूरत नहीं है अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो। और कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस में आपको बता देता हूं। जैसे 6 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, 4 AA बैटरीज है इसमें, 1.5 वोल्ट्स ईच, तो 1.5 × 4 6 वोल्ट्स। इसका जो टॉर्क है दोस्तों वो है 2.9 न्यूटन मीटर। आरपीएम दोस्तों इसका 130 है, 130 आरपीएम। स्क्रू ड्राइवर का जो वेट है वो है 0.25 kg, यानी 240 ग्राम। और मेन चीज, ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना नहीं है। तो चलो अभी मैं आपको इसे खोलकर दिखाता हूं सारी चीजें। तो दोस्तों ये है वो स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, ब्लैक एंड डेकर कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपको 2 बटन्स मिलते हैं, एक स्क्रू को अंदर डालने के लिए और एक स्क्रू को बाहर निकालने के लिए। बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी एकदम ही जबरदस्त है, टॉप क्लास। यहाँ पर आपको 2 मोड्स है, जैसे मैंने पहले बताया, पावर यानी इलेक्ट्रिक और ये मैनुअल। तो मैनुअल में इलेक्ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको हाथ से घुमाना पड़ेगा। इसमें दोस्तों ग्रिप वगैरह भी बहुत ही अच्छी है। इसे रखते हैं साइड में और ये रही इसकी 14 एसेसरी पीसेस। तो इसमें आपको प्लस माइनस स्क्वायर ये सब बीट्स मिल जाएंगे। बीट्स ही बोलते हैं ना इसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है वो आपको इसमें मिल जाएगा। और ये भी हाई क्वालिटी के हैं। और ये रहे दोस्तों इसके 4 अल्कलाइन बैटरीज और ये रहा यूज़र मैनुअल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डालनी है बैटरीज। तो इसका जो नीचे का कंपार्टमेंट है उसे ऐसे निकाल लेना है आपको। तो इस एक ही कंपार्टमेंट में टोटल 4 बैटरीज लगती है। बैटरीज की डायरेक्शंस इसके ऊपर प्रिंटेड है तो वैसे ही लगाओ। और इसके अंदर डालने के लिए आपको बराबर देख कर डालना है, इसके जो पॉइंट्स हैं वहां पर इसमें होल दिया है। ये देखो घूमना शुरू हो गया। चलो अब इसमें एक बिट लगाते हैं और ये स्क्रू मैं आपको इस वुडन ब्लॉक के अंदर डालकर दिखाता हूं कि मैन्युअली नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से कितना टाइम लगता है और इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से कितना टाइम लगता है। वैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये हाफ ऑफ योर टाइम रिड्यूस कर देता है। देखा दोस्तों एग्जैक्टली हाफ टाइम लगा। स्क्रू पूरा अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि जो बैटरीज है वो जनवरी से चल रही है, थोड़ी सी डाउन हो गई है। न्यू बैटरीज डाली तो स्क्रू तो इस वुडन ब्लॉक के आर पार निकल जाए, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जो टाइट फिटिंग है वो हो जाएगी। ये वाला स्क्रू भी डालकर देखते हैं। परफेक्ट।
सो गाइस ये था इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के बारे में। मेरा तो एक पर्सनल सजेशन है कि जितने भी इलेक्ट्रिशियन लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, आपके पास भी ये स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। क्योंकि देखो, वैसे मैनुअल स्क्रू ड्राइवर तो आपके घर में होंगे ही, इसमें मैनुअल वाला भी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक वाला भी ऑप्शन है, मतलब एक ही इसमें दोनों काम हो जाते हैं। प्राइस भी इसकी एकदम ज्यादा नहीं है, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप इसे ले लो, बड़े काम की चीज है, आज नहीं तो कल आपको काम आने ही वाली है। प्रोडक्ट दोस्तों स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने पर्सनल यूज किया है, तो मैंने सोचा आपके काम आ जाएगा तो मैं इसका रिव्यू बना देता हूँ। वेल, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। इसका जो परचेस लिंक है दोस्तों, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं किया है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कुल वीडियोज में हमेशा आपके लिए लाते रहूंगा।